पार्टी के अंदर इतना बड़ा चुनाव संपन्न हुआ और एक बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए जो संकल्प शक्ति होनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। खड़गे साहब का बहुत व्यापक अनुभव है, 50 साल से राजनीति में है और 9 बार वो विधायक चुनकर गए हैं, 2 बार संसद गए हैं और उन्होंने हमेशा से कांग्रेस के वर्कर के नाते काम किया, जाति समाज से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया। लेकिन एक ऐसे तबके से वो आते हैं जिसको आगे बढ़ाने का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और आज उनके अध्यक्ष बनने के साथ साथ एक नई शुरुआत होगी। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के नेता थे और रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष नया बना है, उनके साथ मिलकर को काम करना है। आने वाली तमाम चुनौतियां हैं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं, गुजरात के चुनाव हैं, फिर कर्नाटक के, फिर राजस्थान से, तो तमाम चुनौतियों का हम सामना करेंगे। लेकिन आज एक संदेश दिल्ली से गया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया है जो किसी भी दल ने इस देश में नहीं किया। यहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वहां पर चुनाव प्रणाली होती कैसे है, अध्यक्ष कौन बनाता है, कौन चुनता है, कब नामांकन होता है, कब मतगणना होती है, किसको पता ही नहीं है। तो हमारे यहां पर बड़ा ओपन, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न हुआ और लोगों ने थोड़ा सा भी चुनाव लड़े लेकिन लोगों ने मत देकर खड़गे साहब को भारी बहुमत से जिताया है। उन सबको आज हमने मुबारकबाद दी है, शुभकामनाएं दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और संगठन ने 50% पद जो है युवाओं को देने की बात करी है। उदयपुर डिक्लेरेशन बड़ा स्पष्ट था, उसमें नौजवानों को मौका देने की बात पार्टी ने सर्वसम्मति से पारित किया था। उदयपुर में देश के तमाम कांग्रेस नेता पहुंचे थे और 50% पद कांग्रेस के हर स्तर पर, ब्लॉक, जिला, राज्य और देश में ऐसे लोग, कर्मठ कार्यकर्ता जो 50 साल से कम उनकी आयु है, उनको मौका देने का काम पार्टी करेगी। और उदयपुर डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है, पूरी पार्टी ने सर्वसम्मति से उसको अडॉप्ट किया था और खड़गे साहब ने पहली बार में ही चुनाव जीतने के बाद कहा था कि हम उदयपुर डिक्लेरेशन को पूरी तरह लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि नियुक्तियां होंगी, जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस में तमाम पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया है, कार्य समिति ने, महासचिव महोदय ने और सब AICC के ऑफिस बेयरर्स ने दिया है। एक नई टीम का गठन होगा और मुझे लगता है कि एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे। लगातार ओवैसी साहब विवादों में रहते हैं, अभी नया स्टेटमेंट किया उन्होंने कि देश को एक जवाबदारी मुस्लिम